अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। झालावाड़ की समस्याओं को लेकर विधायक एवं मंत्री की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठाया पानी, बिजली और खाद्यान्न का मुद्दा। लॉकडाउन के बीच राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने झालावाड़ जिले की विभिन्न लोक प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और सेवा सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोविंद रानी पुरिया ने मंत्री को जिले और परिक्षेत्र के हालात से रूबरू कराया। विधायक ने शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने, बिजली की आंख मिचौली बंद कराने एवं खाद्य आपूर्ति में चल रही धांधली जैसे अनेक मुद्दों पर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। विधायक गोविंद रानी पुरिया ने कहा कि प्रशासन की इसी विफलता के कारण आम जनता तकलीफ झेल रही है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सीएससी अभी यहाँ मनोहरथाना में वो सीएससी का काम अधूरा पड़ा हुआ है। एक श्रीराम संयादा जो पूर्व मुख्यमंत्री के समय से वो 8 करोड़ रुपए कागज स्वीकृत है, आज तक भी वो अधूरा पड़ा हुआ है। इस बरसात में पूरा जो निर्माण किया गया है वो पूरा निर्माण खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसके पैसे भी भिजवाए जाए, ताकि पूरी चौराहे से और चुड़ैला तक ये रोड सुलभता उपलब्ध हो सके। तो कई रोड ऐसे हैं जिनको खोद दिए गए पुराने समय में, जैसे देवली रोड है, उन देवली रोड बिल्कुल डामीकरण उदय दे रहा है, लेकिन आज तक भी उस पर कोई व्यवस्था नहीं। तो बिजली काफी जाती है इस क्षेत्र में और बिजली की वजह से काफी लोग परेशान हैं। दूसरी बात मैं कृषि मंडी की कहना चाहता हूँ, ये टोकन सिस्टम है सर आपका, ये ऑनलाइन चलती है। मनोज थाना में मात्र इस साल 2 घंटे ऑनलाइन चलती, जिससे किसान वंचित रह गए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मुआवजा 19-20 का है खरीफ का, वो अभी तक किसानों को, कई किसान वंचित है, उनको नहीं मिल पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसका समाधान के लिए जो पास में राजस्थान एम है, एमपी में, उनसे जो ये बीच का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र उससे जोड़ा जाए, एमपी गवर्नमेंट से समझौता करके आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाए ताकि उसका पानी या सिंचाई और पेयजल के काम आए, ताकि जो ये पेयजल पटारी क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत है उन ग्राम पंचायतों को सुलभ पेयजल उपलब्ध हो सके। इस बैठक में उपखंड अधिकारी अंजना शेरावत, विकास अधिकारी हनुमंत मीणा एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा समेत तमाम लोग भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।